जहां एक ओर पूरा देश अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मना रहा था, वहीं दूसरी ओर नागपुर शहर के मोमिनपुरा परिसर में अचानक माहौल खराब होने की जानकारी सामने आई। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे देश में जल्लोष मनाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में नागपुर शहर में भी विविध जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी के चलते मोमिनपुरा परिसर में भी आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मगर दोपहर को वहां का वातावरण गंभीर हो गया। माहौल इतना खराब होता गया कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के साथ ही आला अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो वहां आयुक्त उपस्थित थे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सद्या काही एक दोन चार लोकांमध्ये काही वाद इथे घडला होता, त्याचे नंतर इथे थोडी तणावपूर्ण स्थिती झाली होती। पुलिस आवश्यक संख्येमध्ये लगेच तिथे स्पॉटवर पोहोचले। पूर्णपणे स्थिती हाताळण्यात आलेली आहे, पूर्णपणे शांतता आहे। लोकांशी आवाहन राहील की शांतता ठेवा, कोणत्याही प्रकारची र्युमर्सवर अफवावर विश्वास ठेवू नका। चौकशी करू, अन्य सीपी साहेब इथे आहेत, एसीपी साहेब आहेत, डीसीपी साहेब आहेत। आज आपला सण आहे, आपण जर हे करायला लागलो सर्व शहरभरात हे होईल। माझी आपल्या सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे, पोलीस आपलं काम 100% पूर्ण करतील। ज्या सीसीटीव्ही फुटेज बघतील, ज्या आपल्या दोन कार्यकर्त्यांना मारलं असेल, खरंच मारलं असेल, तर आपण शेवटपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करू। माझी विनंती आहे, हा काही उत्सव काही हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई नाही, कोणीतरी चुका केल्या असतील, ज्यांनी चुका केल्या त्यांना पोलीस त्यांच्या पद्धतीने कायद्याप्रमाणे शासन करेल। माझी आपल्याला विनंती आहे, माझी विनंती आहे, माझी विनंती आहे। खुशी के माहौल में ये अचानक हुए इस घटना की वजह अभी तक समझ नहीं पाई है। सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ और अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।